वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। टॉरस, ये आपकी मई की जनरल रीडिंग और प्रेडिक्शन है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई के महीने में आप लोगों की लाइफ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं और आपकी एनर्जी क्या दिख रही है मई में। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेजेस हैं वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, फाइनेंसेस, सेल्फ ग्रोथ या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर आपके रिलेशनशिप्स, यू नो। तो यस, और सबसे पहले हम आपका इस महीने का हाईलाइट देखेंगे कि इस महीने का, मई के महीने का हाईलाइट क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं, और उसके बाद प्रेडिक्शंस आपकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इस रीडिंग का जो होने वाला है वो आपके लिए गाइडेंस और यूनिवर्स के मैसेजेस वाला सेगमेंट होने वाला है, जो हम एंड में करेंगे। और हम ये देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मई के महीने में, या फिर जहाँ पे आप अभी लाइफ में स्टैंड कर रहे हो उस जगह के लिए। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि उतने ही मैसेजेस आप खुद पे लें जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं, ओके, जिनसे आप रिलेट कर पा रहे हो, वाइब कर पा रहे हो जिन मैसेजेस के साथ में। तो सबसे पहला मैसेज है एम्परर। एम्परर दो चीज़ें बताता है। जो फोकस है मई के महीने का वो क्या है? सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंट हो आप अपनी लाइफ के लिए, अथॉरिटी में स्टैंड कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी के मालिक आप खुद हो, अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हो। इनफैक्ट अपने डिसीजंस के साथ साथ में यू आर द वन पर्सन जो अपनी फैमिली के लिए भी शायद से डिसीज़न ले रहा है, उनके लिए भी एक प्रोवाइडर है, उनका भी ध्यान रख रहा है, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी बड़ी ले रहा है या फिर जॉब में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो आप एक अथॉरिटी की जगह पर स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। दूसरा मतलब जो एम्परर का होता है वो होता है कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना और बहुत ही हार्ड वर्क करना। तो मई का एक हाईलाइट ये भी हो सकता है कि बहुत ही डिसिप्लिन में हैं आप और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट ये दोनों चीज़ यहाँ पे एम्परर से एग्जिस्ट करती है। एम्परर बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप इस मैस्कुलिन एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी गो गेटर की एनर्जी होती है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी होती है, एक्शन लेने की एनर्जी होती है, रिस्क लेने की एनर्जी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की एनर्जी होती है। यू नो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हम लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी में आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। एम्परर कई बार आपकी खुद की सेल्फ वर्थ बढ़ना भी बताता है कि काफ़ी अच्छी सेल्फ वर्थ है आपकी, आप काफ़ी ज़्यादा यू नो खुद को लेके कॉन्फिडेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी पहले तो आपकी लाइफ में किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस की प्रेजेंस बता सकती है। मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, चाहे ये कनेक्शन कोई भी हो, चाहे ये आपके कलीग हो या बॉस हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई फ्रेंड हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर रोमांटिक कनेक्शन हो। तो देर इज़ अ चांस कि कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस आपकी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करेगा टॉरस। और इसके साथ ही कई लोगों के लिए अगेन किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा एम्परर से मिलती जुलती है, बहुत ही फायरी एनर्जी है दोनों। तो अगेन पैशन में और कॉन्फिडेंस में हो सकता है आप स्टैंड करो, इसीलिए एनर्जी आई हो। अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हो आप तीन तीन आर्क टाइप्स आए हैं। ये तीन आर्क टाइप्स आना डिपिक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में लोगों का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है मई के महीने में। लोग मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में डालेंगे या फिर आपकी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, जैसे ऑफिस के लोग, घर के लोग, काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे लोगों के साथ में या फिर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ में चीज़ें होंगी जिसमें लोग इन्वॉल्व रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से घिरे हुए रहने वाले हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे
हाँ, ये तीनों एनर्जीज, अगर ये तीनों एनर्जीज आपकी भी हैं तो भी हमें ये बताती हैं कि काफ़ी ज़्यादा अगेन प्रैक्टिकल और मैच्योर एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आप। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी इमोशनल हैं, पर ये जो मई का महीना है, आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं और अपने लॉजिकल दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पे कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में हो सकता है, कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो गुड लक होता है और लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और यू नो फॉर्च्यून आना लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, अबंडेंस आना लाइफ में, फॉर्च्यून आना लाइफ में, गुड लक आना लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के हिसाब से डिपिक्ट करते हैं तो इसको टिपिकली भाग्य परिवर्तन का कार्ड बताते हैं, कि आपका भाग्य चेंज हो रहा है, डेस्टिनी आपकी चेंज हो रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट, मई का महीना टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कुछ बड़ी चीज़ शुरू हो सकती है, कुछ बड़ा गुड लक आपको मिल सकता है आपके करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में, कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट मई आपकी लाइफ में दिख रहा है। उसके बाद में जजमेंट की एनर्जी है। आपके सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉजिटिव कार्ड्स हैं और मेजर अरकानाज हैं ये दोनों, और आर्क टाइप्स हैं ये सारे। फॉर श्योर आपके लिए मई का महीना काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा टॉरस, बिकॉज़ यहाँ पे जजमेंट है। जजमेंट रीबर्थ बताता है, जजमेंट किसी ऐसी चीज़ का होना बताता है जो पहले डेड थी। जैसे कि आपकी लव लाइफ बहुत ही टाइम से डेड थी, तो जजमेंट आया मतलब आपकी लव लाइफ में रीबर्थ हो रहा है। अगर आपका आपकी हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे काफ़ी महीनों से, तो एक अच्छी हेल्थ आते हुए दिख रही है। अगर आपका करियर डेड था तो आपका करियर यू नो वापस से ब्लूम कर रहा है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं थे तो वापस से आपकी अच्छी फ्रेंडशिप्स हो रही हैं। कोई लाइफ का एस्पेक्ट जो ख़त्म हो चुका था या फिर जिसमें ज़्यादा होप नहीं थी या फिर स्टैग्नेशन था, वो बेसिकली लाइफ का एरिया आपका ब्लूम कर रहा है। और अगेन पॉजिटिव कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, उसमें एक कार्ड जो हाईलाइट है आपके मंथ का, मई का महीने का, वो एंडिंग भी है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, रीबर्थ होते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ ख़त्म भी हो रहा है आपकी लाइफ में, एक चैप्टर है जिसे आप पूरे तरीके से अपनी लाइफ में क्लोज कर रहे हैं। बिकॉज़ अब अच्छा एक चीज़ और आप जो एक्सपीरियंस करोगे मई के महीने में, वो चीज़ ये होगी कि मई के मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी में भी शिफ्ट एक महसूस करेंगे। पर्सनालिटी में शिफ्ट आप महसूस करेंगे, जैसे कि पहले इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत ही जल्दी जिसे रोना आ जाता था, जो इमोशनल हो जाता था, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन रहे हैं। अगर आप पहले विक्टिम मेंटालिटी में थे तो आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं। बेसिकली आप बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में एम्पावर्ड फील करेंगे, और जो वो एम्पावरमेंट है वो आपकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पे रिफ्लेक्ट होगा, और उसी कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट के कारण आप कुछ ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप खुद से किसी साइकिल को एंड कर रहे हो। और 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे एंडिंग बता रहे हैं, कुछ ख़त्म होगा आपकी लाइफ में और बहुत सारी नई चीज़ें शुरू होगी। और मुझे ये कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा डेस्टिनी, रीबर्थ, लाइफ में सेकेंड चांसेस आना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बता रहे हैं। अब हम प्रिडिक्शन में डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रिडिक्शन है। ये तो हमने मेन एनर्जी थीम है या आपके मई के महीने की, बट अंदर और क्या चल रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे जजमेंट। ओके, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हाईलाइट में कार्ड्स आते हैं और जब हम डिटेल रीडिंग करते हैं तो अक्सर कार्ड्स रिपीट होते हैं। जजमेंट यहाँ पे था, जजमेंट यहाँ पे था। तो जैसे मैंने आपको जजमेंट से बताया था कि लाइफ का कोई एस्पेक्ट है जो डेड हो चुका है, वहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, तो पेज ऑफ पेंटिकल नई शुरुआत बताता है। पेज ऑफ पेंटिकल बहुत ही छोटा सा स्टेप है किसी न्यू बिगनिंग की तरफ। अभी मैं आपको नॉर्मली इसे एक्सप्लेन करके बताती हूँ।
अगर बहुत ही अगेन बहुत ही टाइम से कोई जॉब आप नहीं कर रहे थे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, कोई नई जॉब मिलेगी, या फिर बहुत टाइम से आप जॉब नहीं कर रहे थे तो पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि हो सकता है आप कोई नई स्किल सीखो जिससे कि आपको नए टाइप की जॉब कोई मिल सके। अगर आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में नहीं थे तो यहाँ पे कोई पर्सन आपको मिल सकता है जिसके साथ में एक कनेक्शन शुरू हो। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक बिगनर की एनर्जी होती है, बिगनर की एनर्जी, यू नो कि बिगनर ये स्टूडेंट है, इसने कोई काम शुरू ही किया है या फिर बिगनर है बहुत ही ज़्यादा, तो किसी चीज़ की बिगनिंग यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल से होते हुए दिख रही है। और ये बिगनिंग आपकी लाइफ में नया एक्साइटमेंट, नई होप और वो सारी चीज़ें लेके आ रही है। लाइफ आपको सेकेंड चांस यहाँ पे दे रही है किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। सी एम्परर यहाँ भी आया था, एम्परर यहाँ भी आया है। अब ये दोनों जगह एम्परर आना दो चीज़ें डिपिक्ट करते हैं, ठीक है? आपको देखना पड़ेगा कि किससे आप रिलेट कर पा रहे हो। पहले तो ये है कि जब आप अपने कॉन्फिडेंस में आओगे, जब आप अपने पावर में आओगे, कॉन्फिडेंस और पावर में आना मतलब कि आप किसी से डोमिनेट नहीं हो रहे हो, मतलब कि कोई आपको, आप पे कोई दबाव नहीं डाल पा रहा है, आप अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो और एम्पावर्ड हो, आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ओके? अब जब आप अच्छा करोगे तो आप पे उंगलियां उठ सकती हैं, लोग आपसे जेलस फील कर सकते हैं, यू नो लोग आप पे अटैक कर सकते हैं। इट्स अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो फॉर से कि आप कोई जॉब कर रहे हो, आपका जॉब में प्रमोशन हो गया है और आप बहुत ही हायर लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, तो आपको एक अथॉरिटी मिली, आप हायर लेवल पे चले गए हो, बट लोग आपको बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेंगे कि अरे इसका कैसे प्रमोशन हो गया, अरे ये हम पे कैसे अपना हुक्म चला रहा है, या फिर ये हमें कैसे डोमिनेट कर रहा है। तो लोगों को आप इंटिमिडेट कर रहे हैं, लोग आपसे डर रहे हैं आपके इस बिहेवियर के कारण। अब इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल दूँ तो पहले आप एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हुआ करते थे, कोई कुछ भी आपको बोल के चला जाता था, कोई भी आप पे आपका फ़ायदा उठा के चला जाता था। अब आप एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, मतलब आप किसी का भी बीएस नहीं ले रहे हो, कोई कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, लोग आपको कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, आप एक अलग ही चार्म शो कर रहे हैं, आप एक अलग ही पर्सनालिटी अपनी शो कर रहे हैं दुनिया के सामने, और दुनिया आपसे अगेन जेलस फील कर रही है कि अरे ऐसे कैसे इसकी पर्सनालिटी में इतना स्विच आ गया, पहले तो इसको जो काम बोलो वो ये पर्सन कर देता था, अब ये नहीं कर रहा है। तो एक एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके, आप कुछ अचीव कर रहे हो, द एम्परर इंसान ऐसे ही नहीं बन जाता है, कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई तो पर्सनालिटी शिफ्ट है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो लोग जेलस फील करेंगे और लोग आप पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको वापस से पहला जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसका एक और एग्जांपल ये है कि पहले अगर आप किसी चीज़ से एडिक्टेड थे, आपको स्मोकिंग का एडिक्शन था या फिर अल्कोहल का एडिक्शन था, और फाइनली आप उस एडिक्शन से बाहर निकल चुके हैं, आप कॉन्फिडेंस में हैं, आप अपने चार्म में हैं, आपने उन चीज़ों को करना छोड़ दिया है जो चीज़ें आपको कंट्रोल करती थी, अब दूसरे लोग आपको वापस से सेम साइकिल में ढकेलने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे वो फिर से कोशिश करेंगे कि आप फिर से एडिक्टेड हो जाओ और फिर से लोअर वाइब्रेशन में आ जाओ। तो लोगों की नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट कर रही हैं। अभी दूसरा अगर एस्पेक्ट मैं इस कार्ड से बताऊं तो हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई हायर अथॉरिटी हो जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे कि आपको कुछ करना है बट आपकी फैमिली टॉक्सिक है, आपको करने नहीं दे रही है वो चीज़, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं बट कोई आपको करने नहीं देना चाहता है वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं। तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप अपने हक के लिए भी लड़ेंगे, टॉरस, आप अपनी राइट्स के लिए लड़ने वाले हैं, आप अपने ड्रीम्स के लिए लड़ने वाले हैं और अपने पैशन के लिए लड़ने वाले हैं किसी हायर अथॉरिटी से, ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स अगेन आया है और फोर ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, किंग ऑफ वांड्स अगेन हमने यहाँ पे भी देखा था, किंग ऑफ वांड्स हमने यहाँ पे भी देखा था। अब जब भी रीडिंग्स में आर्क टाइप्स आते हैं तो मीनिंग काफ़ी तरीके तरीके के हो जाते हैं कि एक्चुअली क्या हमें यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे एक जो चीज़ आपको लाइफ में तकलीफ दे सकती है
सबसे पहले तो क्योंकि इस कार्ड के भी दो एस्पेक्ट हैं, एक एक चीज़ जो लाइफ में तकलीफ दे सकती है वो कोई फायर साइन है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। अब ये इंसान कैसे तकलीफ दे रहा है कि ये इंसान आपको जो बोल रहा है, जैसा बिहेवियर कर रहा है, उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का कोई कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में है और ये जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आपको कंट्रोल कर रहा है। मैंने यहाँ पे देखा है कि आप एम्परर से एक पावर में अपने स्टैंड कर रहे हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे कोई पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और आप डोमिनेट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हैं इस पर्सन से। तो कोशिश करिएगा कि ये एक जो छोटा सा पार्ट है इसको आप हटा सकें अपनी लाइफ में। और चाहे ये पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस ना भी हो, ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग दिख रहा है। ओके, तो कोई डोमिनेटिंग पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, और आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो आप हर्ट होने वाले हैं। अगर आपने अपने इमोशंस का रिमोट इस पर्सन के हाथ में दे दिया तो आप मई में बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। तो आपको एम्परर की एनर्जी हर किसी के सामने बना के रखनी है। ओके, सिर्फ इस पर्सन के सामने भी आपको एम्परर की एनर्जी बना के रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, छोड़ दीजिए ये बात कि कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस से आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो, दूसरा बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पे दिख रहा है वो ये मैसेज है कि लड़ाई चल रही है आपके दिमाग में, और वो लड़ाई ये है कि एक साइड आप किंग ऑफ वांड्स बन के लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, आप शायद से पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, आप शायद से अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं, आप शायद से साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, आप शायद से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप शायद से अपने पैशन में स्टैंड करना चाहते हैं। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी ऐसे पोजीशन में आती है तो किंग ऑफ वांड्स बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है, उसके ड्रीम्स बड़े हैं, उसके सपने बड़े हैं, बट समहाउ जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन की वजह से ये किंग ऑफ वांड्स अपने ड्रीम्स को चेज नहीं कर पा रहा है। तो एक चैलेंज जो लाइफ आपके सामने लेके आएगी वो ये चैलेंज होगा कि एक तरफ तो आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और दूसरी तरफ आप अपने कंफर्ट जोन से निकल भी नहीं पा रहे हो, और ये स्ट्रगल आपका आपके खुद के साथ होने वाला है, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली अपने आप से लड़ोगे। आपका एक पार्ट ये बोलेगा कि मुझे ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए, आपका दूसरा पार्ट बोलेगा कि कल से शुरू करेंगे, आई एम नॉट रेडी येट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, अभी अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे बहुत ही इंटिमिडेटिंग लग रहा है ये काम शुरू करना, मैं करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ, बट मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो ये एक आपकी खुद से फाइट है, और सबसे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि आई थिंक आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना डिसाइड करेंगे। कोई चीज़ आपकी लाइफ में आप करना चाहते हैं जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, जैसे कि आपको कुछ आपको अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है, और आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पर आपको इस चीज़ से डर लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, या फिर आपको कहीं पे नई जॉब शुरू करनी है, आपको अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है बट वो नई जॉब आपके शहर के बाहर है, आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने फैमिली को कैसे छोड़ूँ, फ्रेंड्स को कैसे छोड़ूँ, पता नहीं वहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे। तो ये एक फाइट है आपकी लाइफ में जो आप करते हुए दिख रहे हो, और क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज ऑफ पेंटिकल भी देखा था और जजमेंट भी देखा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये वही चीज़ है, यहाँ पे आप कुछ शुरू कर रहे थे, आप फाइनली आई थिंक शुरू कर दोगे, और ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसे आप बहुत ही सालों से, महीनों से टाल रहे हैं और फाइनली आप डिसाइड करेंगे। और आप में से कुछ लोग यहाँ पे, हो सकता है मैं बहुत ही स्पेसिफिक हो रही हूँ, बट हो सकता है आप सोलो ट्रैवलिंग पे जाने का प्लान करें, या फिर ऐसा कुछ भी आप प्लान कर सकते हो, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो। मतलब आप लाइफ में ना कुछ लाइफ में कुछ बिगर मीनिंग ज़िंदगी का ढूंढ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि क्या ही मतलब है ज़िंदगी जी की, लाइक कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ तो बड़ा होना चाहिए लाइफ में करने के लिए। और यस, दूसरे लोगों के लिए ये बस सिंपली ट्रैवलिंग हो सकती है। अब यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल है और द फूल है, आप एक्साइटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं,
आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए, आप ओवरली एक्साइटेड हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग. तो यहाँ पे द फूल की एनर्जी है. फूल की एनर्जी कुछ नया होना लाइफ में, उसका एक्साइटमेंट होना, कुछ नया शुरू होना, उसका एक्साइटमेंट शुरू होना. इट्स मोर लाइक के फर्स्ट से कि अगले महीने से आपको नया कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, और आपके लिटरली पेट में बटरफ्लाइज आ रही हैं कि ओ माय गॉड, मैं नए कॉलेज में जाने वाली हूँ. थोड़ा सा थ्रिलिंग आप फील कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवेंचरस आप फील कर रहे हैं, और ये वो चीज़ है जिस पे आप मेहनत कर रहे थे ऑलरेडी. ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये अगेन कोई नई जॉब हो सकती है. तो नई चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में दिख रहा है. बट अब पता है आप कैसी एनर्जी में हो, मैं आपको बताती हूँ. लेट मी टेल यू, आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि उस मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है. आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, और आप रिज़ल्ट का सोच सोच के एक्साइटेड हो रहे हो, और आई थिंक कि ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा इस महीने. इट्स मोर लाइक के फॉर से बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको. जैसे यू आर इन टू यू नो, आपको जिम जाना पसंद है, वर्कआउट करना पसंद है. आप जिम में बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो अपने, और आप साथ ही साथ एक्साइटेड भी हो रहे हो कि दो चार महीने बाद जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा. लाइक जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो यू नो, एक नई तरीके की ज़िंदगी मेरी शायद से शुरू हो जाए, या फिर शुरू हो जाएगी, या फिर यू नो, लोग मुझे किस तरीके से देखेंगे. आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मतलब कि आप किसी चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हैं और आप एक्साइटेड हैं कि यस वो चीज़ अब होने वाली है. आपको ऐसे गट में अपनी फीलिंग आ रही है कि यस वो चीज़ होने वाली है. और क्योंकि आप आउटकम को सोच सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, तो आपको काम करके भी मज़ा आ रहा है. यू नो, इट्स लाइक कि मेरी एग्ज़ाम है 3 महीने बाद. अब आप उस एग्ज़ाम को डरते हुए नहीं देख रहे हो, आप एक्साइटमेंट से देख रहे हो कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अभी, मुझे मेहनत करके भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेहनत अभी करूँगी तो 3 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि आप किसी चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हो, पर आप एक्साइटेड हो के एफर्ट लगा रहे हो, और क्योंकि आप एक्साइटेड हो के एफर्ट लगा रहे हो तो चीज़ें बहुत ही आसान हो रही हैं. मतलब कि यू नो, ये बस एक परसेप्शन का गेम है. अगर आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप ये सोच के पढ़ाई कर रहे हो कि पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये एक पर्सपेक्टिव है डर डर के पढ़ना. दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि एक्साइटमेंट के साथ में पढ़ना कि यार मुझे अपना 100% देना है, बिकॉज़ आई नो कि अगर ये एग्ज़ाम निकल गया तो मज़ा आ जाएगा, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये एग्ज़ाम निकलने वाला है. तो आप मेहनत कर रहे हो कुछ न्यू बिगनिंग्स के लिए. आर यू गेटिंग मी? आप मेहनत कर रहे हो कुछ न्यू बिगनिंग्स के लिए, और आपको पता है कि वो न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आ रही है. ये वो काम हुआ नहीं है, पर उससे पहले आपको एक्साइटमेंट आ गई है, और ये इस एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा लाइफ में चेरिश करने वाले हैं. आपको मज़ा आ जाएगा टॉरस. ओके, उसके बाद में यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. किंग ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है और द वर्ल्ड यहाँ पे आपके साथ में आया है. द वर्ल्ड बेसिकली अल्टीमेट फ्रीडम मिलना बताता है कि फ्रीडम मिल गया, कोई काम ख़त्म हो गया. ये द वर्ल्ड की एनर्जी ऐसी कि लास्ट एग्ज़ाम जब हो जाता है तो आपको कैसी फीलिंग आती है, मतलब आप बहुत ही एक आध महीने से एग्ज़ाम्स दे रहे हो, बैक टू बैक आपकी एग्ज़ाम है, बट जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम है उस दिन क्या फीलिंग आती है, वही द वर्ल्ड है. किसी चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते थे, फोर से आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस की लास्ट हियरिंग है, आप वो कोर्ट केस जीत चुके हो, उसके बाद जो फीलिंग आती है वो द वर्ल्ड है. गेटिंग मी? आप बहुत टाइम से यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, बहुत टाइम से आप अपनी शादी के लिए परेशान हो रहे थे, अब फाइनली आपकी शादी हो चुकी है. अब आपको क्या फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है लाइफ में, कि वो कोई काम कंप्लीट भी हो गया और टेंशन भी ख़त्म हो गई बेसिकली. तो आप किसी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, आप किसी परेशानी से निकल सकते हैं, जो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, जिस परेशानी ने आपको स्टक करके रखा हुआ था, उससे आप निकल रहे हैं सक्सेसफुली, जीत के किसी बैटल से, किसी लड़ाई से आप जीत के निकल रहे हो, और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो मई के महीने में. अब क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में आया है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आपकी
पैसों से, आपके काम से, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है कि छुटकारा मिल गया किसी चीज़ से करियर में, आप करियर फ्लरिश हो सकता है, या फिर हमने वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम दे ली, वो हमारा डिफ़िकल्ट अप्रेजल हो गया, यू नो, ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। एट द सेम टाइम किंग ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप्स और फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही हो और आप खुश हो रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, लाइक जस्ट लुक एट दिस कार्ड, आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, राइट? और मूविंग ऑन, हमारे पास है टू ऑफ सॉर्ड्स और उसके बाद है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। कोई काम जिसे आप बहुत टाइम से टाल रहे हो, कोई काम है जिसे आप बहुत टाइम से टाल रहे हो, उसमें आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। टू ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि आपको डिसीजन लेना है, ओके? टू ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि आपको डिसीजन लेना है, बट आप उस डिसीजन से भाग रहे हो। लाइफ आपको परेशान करने वाली है मई के महीने में, लाइफ आपको परेशान करेगी अगर आप ये डिसीज़न नहीं लोगे तो। अभी लाइफ आपको फोर्स करने वाली है और परेशान करने वाली है, स्पेशली ये एनर्जी मई के एंड की दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले रहे हो। अभी तक आपको ले लेना था, आपको डिसाइड कर लेना था कि इस पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट में मेरा नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, मुझे क्या चूज़ करना है, या आपको डिसाइड कर लेना था बट आपने अभी तक नहीं किया है। अभी लाइफ आपको ऐसी जगह पे डाल देगी जहाँ पे आप तंग हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और आपको लगेगा यार अब तो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, अब इस चीज़ से मैं बच नहीं सकता या बच नहीं सकती। तो लाइफ आपको फोर्स कर रही है कुछ डिसीज़न लेने के लिए, और डिसीज़न मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, पर आप मुझे थोड़े से परेशान लग रहे हैं। आप भाग रहे हैं इस डिसीज़न से, मुझे नहीं लेना, मुझे डिसाइड नहीं करना, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मैं डिसीज़न मेकिंग के लिए रेडी नहीं हूँ, ऐसे सब आपकी एनर्जी दिख रही है टॉरस। सो इस चीज़ को टालिए मत, और इस चीज़ को डिसीज़न इस चीज़ का ले लीजिए। इट्स मोर लाइक कि यू नो, कोई डिसीज़न पेंडिंग है। क्या एग्ज़ाम्पल इसका हो सकता है? एग्ज़ाम्पल इसका ये हो सकता है कि फॉर से आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं 1 साल पहले, बट ग्रेजुएशन के बाद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे जॉब करनी है या फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आप टालते जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यू नो। तो कोई डिसीज़न पेंडिंग है और इस महीने कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जहाँ पे आपको फाइनली ये डिसीज़न लेना ही पड़े। ऐसा लग रहा है कि आप इस डिसीज़न से भाग रहे हो क्योंकि हो सकता है ये डिफ़िकल्ट डिसीज़न हो, या फिर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, बट इस महीने आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपको टेंशन दे सकता है, ये मदर फिगर हो सकती है, फादर फिगर हो सकते हैं, आपके बॉस बॉस हो सकते हैं। कई बार क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बॉस की एनर्जी भी बताती है, या आपके लिटरली रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और आजकल जो मैं रील्स देख रही हूँ उसके हिसाब से ये लिटरली आपकी बुआ भी हो सकती है। सो समवन हुई कोई आपसे बड़ा है और आपको टेंशन बहुत दे रहा है, आप पे प्रेशर बहुत ही डाल रहा है, और यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो सकती हैं कि पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया और हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने हमारा कॉन्फिडेंस कम कर दिया, बॉस यू नो कॉन्स्टेंटली हमें परेशान कर रहा है या डोमिनेट कर रहा है, कोई रिलेटिव है जो कुछ बोल के चला गया। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग से बच के रहिएगा बिकॉज आप बहुत ही लाइक अनस्टॉपेबल दिख रहे हैं इस मंथ। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है तो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उसकी ओवर थिंकिंग आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। फॉर से कि आप अपने पेस से ज़िंदगी जी रहे हो, आप ठीक है, आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो बिकॉज़ आप मुझे एम्परर की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, आप लाइफ में मुझे मेहनत करते हुए भी दिख रहे हो टॉरस, आपकी ज़िंदगी अच्छी जा रही है और स्मूथ जा रही है, बट देन अगेन पेरेंट्स किसी चीज़ का प्रेशर डालने लग गए और हमारी वो वाई भी ख़त्म हो गई, यू नो, या फिर हम मन लगा के काम कर रहे हैं और बॉस हमारा कुछ फालतू की बातें फिर भी हमें सुना रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं बट वो हमें सुना रहा है। तो ये रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, आपकी मैरिज भी हो सकती है जहाँ पे आप तो अपने एफर्ट लगा रहे हो, आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो बट आपके इन लॉज हैं या फिर आपका पार्टनर है जो आपको बातें सुना रहा है अननेसेसरी। अब भी यहाँ पे ट्रिक ये है
कि आपको ना थोड़ा सा इसको इग्नोर करना है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। देखिए, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। आपने वो फ्रेज़ सुना है कि हर्ट पीपल हर्ट पीपल, जो इंसान दुखी होता है वो लोगों को भी दुखी करता है। आपने देखा है कि किस तरीके से, क्योंकि हम साउथ एशियन कंट्री में रहते हैं और हमारे लिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हमारे पापा ऑफिस से परेशान होके आए हैं और वो सारा गुस्सा अपनी फैमिली पे निकालने लगते हैं। कॉमनली आपने ये देखा होगा ना, हर्ट पीपल हर्ट पीपल। एक इंसान आपको कुछ बातें सुना रहा है, वो अपने डर की वजह से और अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से सुना रहा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है इसीलिए आपको बातें सुना रहा है। तो इस एनर्जी में कि किसी ने कुछ बोल दिया और हम अपने ही सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठाने लग गए। पेरेंट्स ने बोल दिया तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और बस उस लूप में चले गए सैडनेस के, जहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि यार हम निकम्मे हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। मेरे खुद के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं लाइफ में कर पाऊँगी। कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं ना, क्यों है पेरेंट्स ऐसे, बिकॉज लाइफ से खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं इसीलिए ऐसे हैं। तो माइंड मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि किसी ने कुछ बोला, किसी ने डोमिनेट किया और हम बहुत ज़्यादा ओवर टेंशन लेने लग गए। अपनी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठाना, नाइन ऑफ सॉर्ट्स सबसे पहले ये बताते हैं हमारी सेल्फ वर्थ पे हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, और ये अक्सर चाइल्डहुड ट्रॉमा से लिंक्ड होता है। अगर बचपन में आपने बहुत ही बातें सुनी हैं अपने पेरेंट्स की, आपके आसपास के क्लासमेट्स ने, फ्रेंड्स ने कॉन्स्टेंटली आपको फील कराया है कि आप वर्थलेस हैं, तो बड़े होते तक भी ये प्रॉब्लम रह जाती है कहीं पे, कि कहीं कुछ बोल देता है तो हमें लगता है यार मैं ही खराब हूँ, मुझ में ही कुछ नहीं है, मैं दिखता ऐसा हूँ, मैं दिखती ऐसी हूँ, मैं बातें ऐसी, दिस इज नॉट, नो इट्स नॉट यू, इट्स नॉट अबाउट यू। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी बढ़ा के रखें। कौन आपको क्या बोल रहा है ये उनका रिफ्लेक्शन है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और द डेविल है। ओके, एक चीज़ जो आपको लाइफ में पीछे कर सकती है, स्पेशली आपके करियर में, वो चीज़ आपका फ़ोन को स्क्रॉल करना। करियर की बात और पैसों की बात चल रही है अभी, बस और किसी चीज़ की बात नहीं चल रही है। इफ़ यू आर समवन जो लाइफ के ऐसे फेज में स्टैंड कर रहा है जहाँ पे करियर इम्पॉर्टेंट है, करियर बनाना चाह रहे हैं, पैसे कमाना चाह रहे हैं हम, तो इस एनर्जी में, इस ग्रोथ में, कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि भाई सालों से जॉब कर रहे हैं, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो करियर बनाना चाहते हैं, अभी करियर उस लेवल पे पहुंचा नहीं है अभी। अभी उन लोगों के लिए बस बात चल रही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ में द डेविल बैठा हुआ है। मैंने आपके करियर के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स देखे हैं। ओके, तो हमें समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं करियर में, आपकी किस्मत आपको हेल्प कर रही है करियर में। एक चीज़ जो सेल्फ सेबोटाज आपके करियर को कर सकती है, वो आपका दिन रात फ़ोन स्क्रॉल करना, आलसपन दिखाना, प्रोकेस्टिनेशन दिखाना, सीरियस नहीं होना अपने करियर को लेके, फोकस नहीं करना अपने करियर को लेके, ये सेल्फ सेबोटाज है। कोई आपके साथ दुनिया में गलत नहीं कर रहा है, ये आप खुद अपने लिए गलत कर सकते हैं। तो दुनिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद की हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस महीने का आपका एक लेसन भी ये हो सकता है टॉरस, जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके सारे कार्ड्स को देख के अब समझ में आ रहा है कि इस महीने ना आपको ये फोकस करना है, आपको ये फोकस नहीं करना है कि दुनिया आपके साथ क्या गलत कर रही है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि मैं मेरे साथ क्या गलत कर सकती हूँ, या फिर मैं मेरे साथ क्या गलत कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों पे फोकस रखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी गलतियों को इग्नोर कर दें, अपनी गलतियों को हैंडल कर लें, तो लाइफ फ्लरिश होने लगेगी। ये महीना ये सोचने का नहीं है कि लोग क्या गलत कर रहे हैं मेरे साथ, ये महीना ये सोचने का है कि मैं कैसे खुद के साथ गलत कर रही हूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ को सेल्फ सबोटाज कर रही हूँ। ओके, सो डू रिमेंबर दैट। अब कुछ और प्रिडिक्शन के कार्ड लेंगे, उसके बाद गाइडेंस शुरू करेंगे। आई थिंक मुझे एक बार टाइम चेक करना चाहिए, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं रहा है। टॉरस एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, येस टेम्पटेशन, डेविल एनर्जी है, ये राइट अवे कन्फर्मेशन आ गया है, कन्फर्मेशन आ गया है। अब क्योंकि कन्फर्मेशन आया है तो मैं बोलना चाहती हूँ,
ज़रूरी नहीं है कि एक करियर हो, सेल्फ सेबोटाज से बचें, अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिएगा। ये दूसरी बार टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। टेम्पटेशन एक शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन होता है, एक लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन होता है। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को करके तुरंत में मज़ा आ गया, पर लॉन्ग टर्म वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से बचना है। मतलब कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो अभी करके तो आपको खुशी होगी बट लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, चलो आज पढ़ाई नहीं करते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, किसी से मिल के आ जाते हैं। ये क्या शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, अभी में तो बहुत अच्छा लग गया, सुकून मिल गया ये करके, बट लॉन्ग टर्म आपके लिए ख़राब है ये चीज़। ओके, आप अगर अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, हेल्दी फूड कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगेन आप जंक फूड खा रहे हो और आपको लग रहा है चलो अभी तो मुझे मज़ा आ गया ये खा के, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म, आपके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म। सो कुछ ये ऐसी चीज़ है, ऐसे रिलेशनशिप में रहना जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, पर हम उस पर्सन से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, तो हम क्या सोच रहे, नहीं यार बात कर लेते हैं, इस पर्सन के साथ रह लेते हैं, तो अभी तो आप उस पर्सन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट क्या वो पर्सन आपको अपने फ्यूचर में दिख रहा है? आपको लगता है वो फ्यूचर तक रुकेगा आपके लिए? ये क्या हुआ, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, अभी तो अच्छा लग रहा है बट लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ओके, तो टेम्पटेशन से बच के रहिएगा। उसके बाद में यहाँ पे है ऑनर और रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ये कार्ड एग्जैक्टली एम्परर है, ये कार्ड कि आपको लोग ऑनर करने वाले हैं और रिस्पेक्ट करने वाले हैं, तो कहीं तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ते हुए दिख रही है आपके करियर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कम्युनिटी में, शहर में, इंटरनेट पे। कुछ ना कुछ अथॉरिटी आपको मिल रही है। क्राउन है और एम्परर है, सेम एनर्जी है। अ पीरियड ऑफ ओके गाइज, जो लोग भी बहुत ही ईजली इमोशनल हो जाते हैं, ये कार्ड एकदम 9 of Swords की तरह है। आई थिंक आपके मैसेजेस अब रिपीट होंगे तो हमें दूसरी डेक यूज़ करनी चाहिए, बट यहाँ पे है कि आप अगर इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, कोई भी कुछ भी आके बोल रहा है और हम बहुत ज़्यादा अगर उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में जा सकते हैं। ओके, तो बहुत ही ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी इमोशनली इंटेलिजेंट हमें आप में से कुछ लोगों को, मुझे भी, सबको, हम सबको ज़रूरत है इसकी। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम सबको। अभी मैं अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड करी हूँ जहाँ पे मुझे समझ में आ गई कि आप सेंसिटिव हो, ओके, आप इमोशनल हो, ओके, बट ना आपको इमोशनल मैच्योरिटी, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको इमोशनल मैच्योरिटी लानी ही पड़ेगी। आप हर किसी के हर एक कमेंट से सैड नहीं हो सकते हो। मतलब आपको इमोशनल मैच्योरिटी लानी ज़रूरी है। छोटी छोटी बात पे रोना आ जाना, ये मैं हूँ, आपको बता रही हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करिए। सो बेसिकली मैं अभी बहुत सारी बुक्स पढ़ रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रोना आता है, मुझे बहुत जल्दी हर्ट होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और आपकी एनर्जी में भी ये दिख रहा है कि आप बहुत ही, आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आई डोंट नो कि सारे टॉरस सेंसिटिव होते हैं या नहीं, बट आप में से कुछ लोग हैं जो ना पूरा अपना दिन खराब कर लेते होंगे शायद से, या फिर आप बहुत जल्दी ना उस डाउनवर्ड सैडनेस और विक्टिम मेंटालिटी में, बेचारेपन में चले जाते होंगे, बेचारापन फील करना, पूरी दुनिया मेरे साथ गलत करती है। तो मैं ऐसी हूँ, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि ज़रा सा कोई कुछ बोल रहा है और हमें रो, मतलब देयर वाज अ टाइम कि मैं नेगेटिव कमेंट पढ़ के रो देती थी। तो अभी सी, ये इमोशनल मैच्योरिटी ये होती है कि हमें लोग क्या बिहेवियर कर रहे हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और बट स्टिल हम अपने इमोशंस के टच में हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोल्ड हार्टेड बन जाओ, हार्टलेस बन जाओ, नो, इमोशंस के आपके टच में रहो, बट कोई भी कुछ भी बोल रहा है और हम एकदम बह गए, रोना आ गया, विक्टिम मेंटालिटी, सैडनेस में चले गए, ये चीज़ आपको तंग करेगी। और मुझे लग रहा है कि लाइफ आपको भी समझाना चाहती है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इमोशनल मैच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपके इन लॉज ने कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, किसी ने भी कुछ बोल दिया और हम एकदम ही
एकदम ही हमारा मूड फिर गया, ऐसा नहीं होना है। ये लाइफ आपको टीच करेगी मई के महीने में, ये इस लेसन को ध्यान रखेगा, मेरी बात को ध्यान रखेगा। न्यू जॉब और करियर, तो आप में से कई सारे लोगों के लिए न्यू जॉब और करियर की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है टॉरस। उसके बाद यहाँ पे है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा बच के रहिएगा इस महीने। कोई भी इंसान, अगर आपको लगता है कि पर्सन मेरे साथ गलत कर रहा है, इसने ऐसा किया वैसा किया, तो उसको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं, और कोशिश करिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा हम बच के रहें। उसके बाद है हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। तो यहाँ पे सन का कार्ड है, कुछ चीज़ आपकी लाइफ में ऐसे होते हुए दिख रही है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएगी, पॉजिटिविटी लेके आएगी और खुशियाँ लेके आएगी। तो बेसिकली आप सन फील कर रहे हो, और सन बहुत ही ज़्यादा प्यारा इमोशन होता है। कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। उसके बाद है कोई आपकी विश है जिसे पूरा होने में टाइम लग रहा है, और इट्स इस विश का वेट करिएगा। डिसहार्टन मत होइएगा कि इस महीने भी ये काम नहीं बना। वर्क अचीवमेंट सक्सेस, सिंपल सा फॉर्मूला है। मेहनत करिए, काम करिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे, वन स्टेप एट ए टाइम। अच्छा, ये जो कार्ड है ये कंसिस्टेंसी के बारे में भी बोलता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा रहे हैं अपने ड्रीम के टूवर्ड्स, तो वो ड्रीम एक दिन ज़रूर पूरा होगा। टॉरस ये कार्ड ऐसा भी बताता है कि कंसिस्टेंसी से काम करेंगे ना, तो अचीव हो जाएगा वो गोल, सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ, अगेन फिटनेस से रिलेटेड, या आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर से आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, और आप अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हो, आप अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हो, तो फॉर से आपने जिम ज्वाइन किया है। अभी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जिस दिन हमारा मन नहीं भी कर रहा है, उस दिन हम जैसे तैसे खुद को पुश करके जिम जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक भी दिन छोड़ना नहीं है। जिस दिन वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, एटलीस्ट हम वहाँ पे यू आर शोइंग अप, एटलीस्ट यू आर शोइंग अप, एटलीस्ट आप जिम जा रहे हो, चाहे आपने 15 मिनट वर्कआउट किया हो या आधे घंटे किया हो, ये कंसिस्टेंसी होती है। और जिस दिन मन नहीं भी हो रहा है, खुद को धक्का दे के, खुद को मार के, कुछ भी करके वो काम आपको करना है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, उससे आपको लाइफ में अचीवमेंट मिलेगा। गिव अप नहीं करना है, इनकंसिस्टेंट नहीं रहना है। अगर आप कोई काम शुरू करो, सी मैं ये हर बार बोलती हूँ, मैं आज फिर से बोलूँगी कि आप किसी की मोटिवेशनल बातें सुनेंगे, मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, तो आपको वो काम करने का मोटिवेशन आएगा। बट उस काम को लंबे समय तक करने के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कि मन नहीं कर रहा तो भी वो काम कर रहे हैं, बोर्डम फील हो रही है फिर भी वो काम कर रहे हैं, इमोशनली आज अच्छा फील नहीं हो रहा फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो आप जिस भी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, चाहे कोई छोटा गोल हो चाहे कोई बड़ा गोल हो, आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे इसे रोज़ करना है, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। चाहे मुझे कितना भी आलस आ रहा हो, मैं खुद को धक्का मार के अपने घर से निकालूंगी, चाहे मुझे किसी ने कितना भी इमोशनली टॉर्चर किया हो, मुझे ये काम करना ही है। मैं हर चीज़ को साइड में रख दूंगी जब मुझे ये काम करने का टाइम आएगा। या आपकी स्टडीज़ भी हो सकती हैं कि आज मन नहीं कर रहा क्योंकि आज मुझे बुरा फील हो रहा है, आज मन नहीं कर रहा क्योंकि आज मुझे आलस आ रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। अ कंप्लीट नो फॉर दिस। अभी कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस निकालते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं। सरेंडर टू साइलेंस इन क्वाइट मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन, साइलेंस कैन हील। थोड़ा टाइम साइलेंस में रहने के लिए यूनिवर्स आपको
सजेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहने के लिए, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहें, अकेले में रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आई एम श्योर कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही बार अकेले रहते हैं और सॉलिट्यूड में रहते हैं और मज़ा भी आता है, बट जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए है कि थोड़ा सा अकेलेपन में समय बिताएं, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में बिताएं, मेडिटेशन करें, म्यूज़िक सुने, वॉक पे चले जाएं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें। और साइलेंस में रहना आपको हील कर सकता है, साइलेंस में रहना आपको रिन्यू कर सकता है, साइलेंस में रहना आपको हेल्प कर सकता है कि आप यूनिवर्स की आवाज़ को सुन सको, उनके गाइडेंस को सुन सको। और साइलेंस में आप अपनी लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं, क्या चीज़ें काम कर रही हैं, क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, उस पर रिव्यू कर सकते हैं आप, यू नो। सो यस, सरेंडर टू साइलेंस। और अगर लाइफ फॉर सम रीज़न अकेलापन लेके आ रही है, थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हो, तो इट्स ओके, उस अकेले में थोड़ा रहना सीखो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ अगर आपको अकेलापन दे रही है तो वो हमेशा नहीं चलेगा, बट अगर आपको लाइफ या यूनिवर्स अकेलापन दे रहे हैं, उस अकेलेपन का बहुत बड़ा रीज़न है आपकी लाइफ में आने का, तो उस अकेलेपन में खुद को ढूंढो, क्योंकि अकेलापन एक ऐसा समय है जहाँ पे आप खुद को तराश सकते हो, आप खुद के साथ बॉन्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप एक्चुअली अपने ऊपर मेहनत कर सकते हो, काम कर सकते हो। अकेलापन एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने आज तक लाइफ में जितना भी ग्रो किया है, मैंने अपने अकेलेपन से ही ग्रो किया है। चार लोगों के साथ में रह के ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती है कई बार, इस बात को वो लोग समझते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आप समझते हो ना, जो लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनसे पूछिए आप, कितना मुश्किल होता है अपने आप पे फोकस करना आजकल। तो कई बार मैं खुद को हर्मिट फेज में रखती हूँ, मैं जानबूझ के रखती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बोल देती हूँ कि मैं गायब होने वाली हूँ तुम लोगों की लाइफ से, लाइक 20-25 दिन के लिए कम से कम, जहाँ पे मैं सिर्फ खुद पे फोकस करूँगी। तो लाइफ ने अगर अकेला किया है ना, तो उसका फ़ायदा उठाओ, ओके। आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अकेलेपन में, तो साइलेंस इम्पॉर्टेंट है। साइलेंस को बोर्डम की तरह मत देखो, साइलेंस को फियर की तरह मत देखो, साइलेंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो जहाँ पे आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, टॉरस, ओके। उसके बाद है सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। ऐसा है, अगर मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूं तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना रखो। और ऐसा नहीं है कि फल की आपको इच्छा नहीं रखनी है, इट्स मोर लाइक कि अपने फल के बारे में 2400 घंटे सोचना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज़ टू डू ऑल यू कैन टू मेक थिंग्स हैपन, देन लेट गो ऑफ द रिजल्ट। होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिज़ायर आउटकम कैन सेबोटाज इट। सिंपल सी चीज़ है, आपने अपना काम कर दिया, अब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अब ये वो एनर्जी है कि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसमें कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं, मैम हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, आप रीडिंग कर दो कि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, रिजल्ट में क्या होने वाला है। तो क्यों, क्या सेंस बनेगा इसका, आपका रिजल्ट तो ऑलरेडी एक हफ्ते बाद आने वाला है, आप मेरी प्रिडिक्शन सुन के क्या करना चाहते हो। ऐसे टाइम पे जहाँ पे हमने तो मेहनत कर दी है पर हमें अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आप ऐसे यूनिवर्स को आप बोलते होंगे कि मैंने तो अपनी तरफ से ट्राई किया यूनिवर्स, अभी ये काम हो क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको जो करना है वो करो, बाकी सरेंडर कर दो। 2400 घंटे आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। और अक्सर जब हम लाइफ के किसी एस्पेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो हम ऑब्सेस हो जाते हैं रिजल्ट के लिए कि बस एक बार भगवान एक बार बता दो, एक बार बता दो क्या होने वाला है, प्लीज़ एक बार बता दो। ये हमारा पैटर्न होता है एंड हमें इसी पैटर्न को ब्रेक करना है। यूनिवर्स हमें ये बता रहे हैं और ये बहुत ही एनर्जेटिक है, ये मेटाफिजिकली साइंटिफिकली भी करेक्ट है, स्पिरिचुअली भी करेक्ट है। और हम इस एज में स्टैंड कर रहे हैं टॉरस, जहाँ पे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल चीज़ें अब कनेक्ट होने लग गई हैं। जो साइंटिफिक है वो स्पिरिचुअल भी है, जो स्पिरिचुअल है वो साइंटिफिक भी है। अब हम इस एज में स्टैंड कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू अ डिज़ायर्ड आउटकम कैन सेबोटाज इट। अगर बहुत ज़्यादा आप रिजल्ट को पकड़ के ऑब्सेस रहोगे रिजल्ट के लिए, तो आपकी ऐसी ऑब्सेशन वाली एनर्जी उस आपके अच्छे रिजल्ट को ख़राब कर सकती है।
बिकॉज एनर्जी के टर्म्स में हम अगर बात करें तो जितना आप ऑब्सेस हो गए, ऑब्सेस होना मतलब क्या होता है, फॉर से आपने एक बीइंग अ गर्ल मैं आपको बताती हूँ कि आपने किसी एक इंसान से बात करना शुरू की, ओके okay? अब बहुत ही इनिशियल आप इनिशियल लेवल पे हो अपने कॉन्वर्जेशन के, शायद आप इस पर्सन को डेट कर रहे हो, आप इस पर क्रश कर रहे हो, आप उससे टॉकिंग स्टेज में हो, ओके okay? आप मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हो, बट कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रहा है क्या ही इज़ द वन, क्या ये मुझे कभी प्रपोज करेगा, क्या हम रिलेशनशिप में आएंगे, क्या हमारी शादी होगी। आपने डे वन से ही ऑब्सेस करना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी खुद की ही एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, बिकॉज ये ऑब्सेशन कि क्या होगा क्या होगा, ये एक लैक मेंटालिटी को बताता है। लैक मेंटालिटी मतलब कि हमें लगता है कि हमें शायद ये चीज़ मिलेगी नहीं, हम डरे हुए हैं, और जब लैक मेंटालिटी की जो वाइब्रेशन है, डरने की वाइब्रेशन है, वो वैसी ही चीज़ आपके लाइफ में लेके आएगी। अब तो साइंटिफिकली प्रूवन है, अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कितने भी बार बोल सकती हूँ, लाइक CIA और ऐसे इंस्टीट्यूट इन सब चीज़ों में रिसर्च कर रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में लैक मेंटालिटी है कि शायद मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, शायद ये चीज़ होगी नहीं, अगर आप ऐसे नेगेटिव सोचते हो, ऑब्सेस कर रहे हो, अगर आप ऑब्सेस करोगे ना किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ आपसे दूर भागेगी, ट्रस्ट मी। और मैं एक्शन लेने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपसे दूर भागेगा, नहीं, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि पढ़ाई तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो बट दिमाग में बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो। एक नेचुरल चीज़ जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो लाइफ में रिलैक्स रहना सीखने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है हर चीज़ का, कैसे हमें लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना है, हर चीज़ का स्ट्रेस लेना, हर चीज़ के लिए टेंशन लेना, ये ब्लॉक हैं, ये आपकी ब्लेसिंग्स को आने नहीं देंगे। हमें वापस से सीखने की ज़रूरत है काम रहना, ग्राउंडेड रहना, फ्लो में रहना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना, और ये सब चीज़ें आप तभी सीख सकते हो जब आप कुछ टूल्स को यूज़ कर रहे हो वो एक स्टेट ऑफ माइंड अटेन करने के लिए। मेडिटेशन इसीलिए ज़रूरी है, जर्नलिंग इसीलिए ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड लिखना इसीलिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, वॉक पे जाना, योगा करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए। बिकॉज आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो ज़िंदगी में, चाहे कोई इंसान आपसे कितना भी प्यार करता हो, हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा वो, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो आपको हर्ट कर सकता है। कितने भी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, हम अर्थ पे हैं, डुअलिटी के प्लैनेट में हैं, ख़राब चीज़ें भी होंगी, बट हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम उन ख़राब चीज़ों को हैंडल कर सकें, या फिर उन ख़राब चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ना बना लें, कि चलो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है पर उस प्रॉब्लम को सोच सोच के दिमाग में इतना बड़ा बना लिया जितना बड़ा बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग, आई एम सॉरी। सरेंडर टू मिराकल ये मेरा फेवरेट कार्ड है, और सिंपली ये कार्ड ये बोलता है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में मिराकल होंगे तो आपकी लाइफ में मिराकल होंगे। अगर आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि देखो कुछ भी चल रहा है लाइफ में, मुझे इतना भरोसा है भगवान पे, यूनिवर्स पे, अल्लाह पे, जो भी डेटीज़ में आप बिलीव रखते हैं, कि मुझे इतना भरोसा है कि वो डिवाइन मेरी लाइफ में मिराकल ला के मेरी लाइफ को सुधार देगा, मेरी लाइफ कितनी भी ख़राब चल रही हो, कितने भी फेलियर्स मैंने देखे हो, कितने भी डिसअपॉइंटमेंट देखे हो, मुझे फेथ है, वो फेथ आपकी लाइफ को बदल सकता है। बिकॉज अगेन इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। मैं अगर इस वाइब्रेशन पे हूँ कि मुझे पता है कि मेरे साथ अच्छा होगा तो मेरे साथ सूनर और लेटर अच्छा होगा। प्रॉब्लम ये है कि 20 साल से आप नेगेटिव सोच रहे हो और 2 दिन आप पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छा नहीं हो जाएगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी इसमें भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी ओपन टू मिराकल्स ऑकरिंग इन योर लाइफ। ओपन रहिए कि यस मिराकल्स मेरी लाइफ में हो सकते हैं। फील एंड नो दैट दीज इवेंट्स आर रियल। ऐसा सोचे कि यस ये रियल है और ये पॉसिबल है, जो मैं चाहती हूँ वो होगा। लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस एंड बैनिश एनी डाउट दैट मिराकल्स कैन हैपन। जो भी डाउट है मन में उसे ख़त्म कर दो। आप एक हफ्ते इस एनर्जी में रह के देखो, चलो एक हफ्ते रह लो, 7 days, जस्ट ट्राई दिस फॉर 7 days। मुँह से कुछ नेगेटिव नहीं निकालना है, कुछ नेगेटिव अपने बारे में नहीं निकालो मुँह से,
कोई भी मिल रहा है उसको बोलो मैं बहुत सही हूँ, मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है, मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। एक हफ्ते ये ट्राई कर लो। दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया, दिमाग को ये बोल दिया कि नहीं सब ठीक है, डोंट फूल मी, सब ठीक है, मेरी लाइफ ठीक है, मेरी लाइफ ठीक हो सकती है। एक हफ्ते पॉजिटिविटी ला के देखो लाइफ में। ये कहानी लोगों को सुनाना बंद करो कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। ये हम फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो भी फीमेल से वीडियो देख रही है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम बेचारा, हम पार्वती बनना चाहते हैं, हम तुलसी बनना चाहते हैं। डोंट बी दैट, पार्वती या तुलसी मत बनो। ऐसे इसको रोमांटिसाइज मत करो कि मैं दुखी हूँ, मैं बेचारी हूँ अपनी लाइफ में। कम आउट ऑफ दैट एनर्जी। ये एनर्जी आपको कहीं लाइफ में नहीं लेके जाएगी, जहाँ हो आप वहीं रह जाओगे। अपने पावर को पहचानो, अपने फेथ। अरे जब फेथ होता है ना तो भी आप ऐसा, फेथ ही काफ़ी है, डिवोशन ही काफ़ी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। अपने स्लीप स्केड्यूल पे ध्यान रखिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए। स्पेशली जो लोग प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा नर्चर करने की ज़रूरत है। ओके, सो ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं कौन सी एनर्जी में थी आज। आई एम सॉरी, आई वॉज लिटिल, यू नो वॉट आई मीन, राइट? सरेंडर डिनायल, सच को एक्सेप्ट करें। वो लास्ट वाला जो कार्ड है ना, वो बता रहा है सच को एक्सेप्ट करें, जो हो गया है वो हो गया है, ये सोचें कि आगे क्या होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो टॉरस, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय।